सो आज है नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहूँगी BLI 221 का ही रोल ऑफ लाइब्रेरीज। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूशन है, जो रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या रोल है। हमारे जो मॉडर्न बेस है वो बेस है नॉलेज बेस रिसर्च में। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी रहेगी तो आपको सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाएगी। ऐसे में लाइब्रेरियन को जो रिसर्च है उनका रोल सबसे ज़्यादा बनता है मॉडर्न करने के लिए। जैसे लाइब्रेरियन कलेक्ट करते हैं क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बुक्स रिसर्च नॉलेज बेस होते हैं वो कलेक्शन करते हैं, उनकी कलेक्शन होती है, रिसर्च को शेयरिंग करना, रिसर्च को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के लिए रिसोर्स को शेयर करना, वो भी एक सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लाइब्रेरियन की। तो आज इस सोसाइटी को मॉडर्न बनाने में लाइब्रेरियन का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन करते हैं। मान लीजिए ब्रिज का काम करती है, आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज एक पर्सन और एक पर्सन को नॉलेज रिलेट करती है। लाइब्रेरियन में अच्छी अच्छी बुक्स है, एक ऐसा पर्सन नॉलेज चाहिए तो वो उनके बीच में रखती है, ब्रिज का काम करती है। जिसको बुक्स चाहिए और लाइब्रेरियन को पता होता है वो बुक्स कहाँ पर है, इस बीच का जो कनेक्शन है वो एक लाइब्रेरियन कंप्लीट करती है। इंफॉर्मेशन कहीं पे गैदर है और जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए उनके बीच का एक जो ब्रिज है वो एक लाइब्रेरियन उस पोजीशन को अकवर करती है। सो हमारे बीच जो बेनिफिट है ऑफ लाइब्रेरियन, क्या क्या बेनिफिट है लाइब्रेरियन में। फर्स्ट आपको बेनिफिट आपको मिलेगी लाइब्रेरियन में, वो है फर्स्ट एंड फॉर्म बेनिफिट गेटिंग फ्री बुक्स अवेलेबल। आपको सारी बुक्स अवेलेबल मिलेगी, डिसिप्लिन तरीके से फ्री इंटरनेट रहती है, और भी बहुत कुछ है लाइब्रेरी में। निकली, थैंक यू।